हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं 6:30 और घर का क्लीनिंग का काम तो हो गया है, मतलब खाली हॉल का होता है, 2 बेडरूम का बाकी रहता है, वो बाद में होता है। गोलू को उठाते हैं, चलो रूम अंधेरा है, दिखाती हूँ। ये देखो गोलू सो रही है, महारानी जी यहाँ पे। ओ ओ गोलू, ओय, इसको अभी उठाऊंगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे कबूतर को दाना देने के लिए, ठीक है? ठंडा लग रहा है क्या गुल्लू? ठंडा का मौसम आ गया ना, ठीक है। तो गोलू को स्कूल में छोड़ने के बाद फिर मैं अभी निकल गई थी जिम के लिए, और क्योंकि मुझे इजी होता है उसको स्कूल में सीधा मैं रेडी होकर चली जाती हूँ, उसको स्कूल में छोड़ देती हूँ, फिर जिम में अपना वर्कआउट करके फिर मैं घर आ जाती हूँ। तो अभी मैं जिम से घर आ गई हूँ और कल जो ब्रेकफास्ट था ना, वही सेम ब्रेकफास्ट है, बट आज बॉइल्ड पोटैटो नहीं था तो वो नहीं डाला है, और बाकी सब कुछ डाल के ये ब्रेकफास्ट बना लिया है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, नहीं तो मैं नहा लेती हूँ पहले आके जिम से, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ। बट आज मैंने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे यार बहुत भूख लगी थी, आके मैंने थोड़ा तो पहले रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है यहाँ पे। तो वही सेम मुढ़ी, झाल मुढ़ी जो होता है ना, वही खाती हूँ मैं, ज़्यादातर मैं वही खाती हूँ और कभी कभी चेंज करती हूँ, नहीं तो ऑलमोस्ट हम लोगों का वही सेम ही रहता है कि मुढ़ी हम लोग खा लेते हैं। लिया, रेडी हो गई, अभी जाऊंगी लंच बनाने के लिए। लंच में आज ज्यादा कुछ बनाना नहीं है, राइस मैंने बना दिया था ऑलरेडी, और सब्जी बनाना है। सब्जी मतलब मैंने जिम से आने के टाइम पे फिश लेके आई थी, यहाँ पे फिश इजीली मिलता है, जैसे रास्ते में भी ना साइकिल में लेके बहुत घूमते हैं, हर गली गली में सोसाइटी में आके देखे जाते हैं, तो वैसे ही मिल गया था, तो वहां से मैं ले आई थी फिश, छोटे छोटे फिश, कोंटिया बोलते हैं उसको, कोंटिया बोलते हैं ना, हाँ शायद, तो वो फिश मैं लेके आ गई हूँ, और नहाने से पहले मैंने क्लीन भी कर दिया था उसको, तो बस अभी बनाऊंगी फिश करी ही बना दूंगी, तो छोटा छोटा है बट मैं झोल बना दूंगी सोच रही हूँ, और कुछ भी नहीं बनाऊंगी, दाल भी थोड़ा सा है बट खाएगी तो खाएगी, नहीं खाएगी तो नहीं, ठीक है गुल्लू। तो फिश करी बनाने, फिश बन जाने से गुल्लू को और कुछ नहीं चाहिए होता है, बस फिश करी दे दो, थोड़ा सा प्याज दे दो, उसका हो गया, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो चलो बनाते हैं फिश, आज मैं सोच रही हूँ आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ, छोटे छोटे फिश, उसका मतलब झोल नहीं बनता है ऐसे, बट मैं बना रही हूँ उसका, झोल बनाने से भी ये भी अच्छा लगता है, बिना मतलब सरसों पेस्ट दिए मैं बना दूंगी। हाँ तो चलो मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूंगी, फिर सब्जी बनाने के बाद फिर हम लोग गोलू को लाने के लिए भी निकलेंगे, तो चलो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर। तो चलो आपके साथ आज रेसिपी शेयर कर देती हूँ। देखो ये होता है कोंटिया फिश, तो इसको क्लीन करना पड़ता है यहाँ पे ना, ये इसको क्लीन करके नहीं देता है कोलकाता में, लेकिन कितना भी छोटा का छोटा मछली होता था ना, पहले हम लोग वहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे वो क्लीन करके देता था, तो इसका जो स्किन होता है ना तो वो ऐसे ठोठो करके ऐसे फटता है, ऑयल ऊपर आता है ना, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी ऐसे जिसका स्किन प्लेन होता है ना, जिस भी फिश का, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको नमक हल्दी के साथ थोड़ा सा ऑयल डाल के हमको उसको मिक्स कर लेना चाहिए, तब वो जो फटता है ना ऑयल छोटो करके वैसे कम होता है। तो देखो आलू पहले तो मैंने यहाँ पे फ्राई करके निकाल लिया था क्योंकि मैं इसका झोल ही बनाऊँगी आज, तो आलू सबसे पहले बड़े बड़े काट के फ्राई करके निकाल लिया, फिर फिश लेके आई थी, तो ये फिश देखो, फिश को भी मैंने नमक हल्दी ऑयल डाल के जैसे फ्राई करके निकाल लिया, प्याज काट के रखा है यहाँ पे और टमाटो है, तो जितना बचा हुआ था ऑयल उतने ऑयल में थोड़ा सा बस और ऐड किया है, उसमें फिर मैंने यहाँ पे ऑनियन, जो एक बड़े साइज़ का ऑनियन था, उसको काट के इसको भून लेंगे हम लोग अच्छे से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट मेरे पास रहता है जिंजर गार्लिक का, देखो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और साइज़
छोटा है टमाटर का, इसलिए मैंने दो लिया है। ये जिंजर गार्लिक मिक्स पेस्ट है, जिंजर और गार्लिक मिला हुआ है इस पेस्ट में, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऑनियन देखो हो गया था, तो मैंने इसमें दो जो टमाटर थे वो डाल दिया है, और 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा मिक्स रहता है इसीलिए 3 चम्मच मैंने डाल दिया। तो इसको फिर हम लोग भूनेंगे, अगर नीचे से थोड़े थोड़े लगे तो आप पानी दे सकते हैं, बट टमाटर देने से ना पानी देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, पहले तो टमाटर से ही पानी निकलेगा। और इसमें अब हम लोग नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, वो सब मैंने डाल के इसको मिला लिया है। तो इसमें हम लोग, आपको अगर चाहिए तो थोड़ा पानी दे सकते हैं आप। तो इसको हमको अच्छे से पकाना है, एटलीस्ट 10 मिनट तक हम इसको मसाले को भूनना चाहिए। देखो कैसे बन गया है मसाला, तो ये और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, 5 मिनट, उसके बाद ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा मसाला। तो देखो सूख गया है बिल्कुल, टमाटर का पानी जो रस होता है वो भी और पानी भी सब कुछ सूख चुका है। अब इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए, झोल चाहिए, आप उतना पानी डाल सकते हैं। तो डाल लिया है इसमें पानी, और इसी स्टेज पे आप चेक कर लीजिए नमक कितना है। इस पानी को अब हम बॉयल होने देंगे अच्छे से। देखो पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, अब इसमें हम लोग जो आलू और फिश जो था ना फ्राई करके रखा हुआ था वो सब हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसको 10 मिनट पका लेंगे अच्छे से। मीडियम हीट कर दीजिए, क्योंकि और हाई हीट में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मीडियम हीट में डाल के इसको हम लोग पका लेंगे, ताकि आलू के अंदर और फिश के अंदर भी मसाले का ग्रेवी चला जाए, जो भी स्वाद है सब चला जाए, और झोल के अंदर भी फिश का स्वाद चला जाए। तो इसको हम लोग और बस 5-10 मिनट पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऊपर में जो गरम मसाला होता है ना वो हम लोग डालेंगे। आप चाहे तो पीस के इलायची और दालचीनी का पेस्ट भी वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो गरम मसाला आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची और दालचीनी का पेस्ट डालने से ना बहुत यम्मी बनता है। तो देखो बनके रेडी हो गया है मेरा फ़िश करी। तो ये देखो राइस है, फ़िश करी है, और आज खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया था। उसके बाद फिर मैं गोलू को लाने के लिए चली गई थी, तो देखो झोल पतला है, बहुत मोटा भी झोल नहीं है, और ये आलू, ये रहा आलू और ये रहा फिश। आलू बिल्कुल पक चुका है, क्योंकि पानी मतलब झोल में डालने के बाद भी मैंने 5-10 मिनट पकाया था इसको। तो ये रहा फिश करी एंड ऑनियन। सलाद में भी आज ऑनियन है, क्योंकि इस हफ्ते ना पंकज पता नहीं उनको मिला नहीं बोला, वो खीरा नहीं लाए हैं, तो इस वीक आपने एक भी बार खीरा नहीं देखा होगा। झालमुड़ी में भी मैं नहीं डालती थी, क्योंकि खीरा इस बार नहीं आया था, इस हफ्ते नहीं लाए थे। तो बस उसके बाद गोलू देखो खाना खाने के बाद यहाँ पर सो के अपना टीवी देख रही है, क्योंकि अब जैसे पता है आपको उसका टाइमिंग स्कूल का चेंज हो गया है, इसलिए वो और सोती नहीं है, क्योंकि 5 बजे उसका ट्यूशन होता है, तो 4:30 बजे से वो रेडी होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको नहीं सुनाती हूँ। और खाना ख़त्म करते करते उसका 3 बज जाता है, तो 3 बजे से सोएगी तो एटलीस्ट 2-3 घंटा वो सोती है सोने से। 1 घंटे के बाद उठाने से ना मतलब चिड़चिड़े होते हैं, उनका नींद भी पूरा नहीं होता है बच्चों का, और चिड़चिड़े होते हैं। तो बस यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही थी, और अभी 4:30 बज चुके थे, तो देखो मैं सूजी बनाया था यहाँ पे उसके लिए, और सूजी के ऊपर वो ऐसे अमूल 2 चम्मच डाल के खाती है, सूजी के साथ मिला के देने से ना वो नहीं खाती, ऊपर में उसको दिखना चाहिए अमूल। और सूजी बनाते बनाते ना आपने देखा होगा वहाँ पे ना मेरे से डब्बा ही गिर गया था, तो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ थोड़ा सूजी गिर गया, पूरा फैल गया था नीचे में, ऊपर में भी थोड़ा गिरा था। तो देखो गोलू यहाँ पे खाने के बाद रेडी हो गई है, अभी जाएगी ट्यूशन, और वही चिप्स खा रही है अभी भी, वो उसको मना इतना किया है ना, बट फिर भी चिप्स उसको मिल ही जाता है। पंकज कभी कभी ले आते हैं, मैं कभी कभी, और कभी सामान ऑर्डर होता है ना तब वो बैठ के रहती है कि ऑर्डर किया क्या नहीं, ये जो ऑर्डर किया था ना मैंने वही खा रही है, लेकिन एक ही बार में मैं नहीं देती हूँ, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के देती हूँ 4-5 दिन, क्योंकि वो मांगती है, बस थोड़ा थोड़ा करके निकाल के देती हूँ। फिर गोलू को ट्यूशन देखो अभी छोड़ के आ गई थी इवनिंग को ऊपर छत के ऊपर थोड़ा सा घूमने के लिए, मौसम आज बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे छत के ऊपर थोड़ा सा ठंड लगता है, बट आज ठंड नहीं लग रहा है, तो मैं जा रही हूँ घर वापस। तो चलो, और पंकज आज रात को आने वाले हैं, हाँ, और मुझे आज बहुत सारा काम है, क्योंकि मैंने बहुत सारा भिगोया था यहाँ पे, देखो
चना, और ये है मसूर का दाल, गोटा मसूर है, ये दाल नहीं है, गोटा मसूर है, और उसमें चना का दाल है नीचे, और बेसन। तो ये सब बनेंगे भुजिया आज। भुजिया मतलब मिक्सचर में बना रही हूँ, पहले मैं बनाती थी, अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो गया मैं नहीं बनाया अभी। तो देखो ये बन गया है भुजिया, और बाकी सब भी बन चुका था। यहाँ पे बूंदिया, बूंदी में मतलब ये कर रही थी। देखो यहाँ पे भुजिया बनाया है, यहाँ पे चना और मसूर सब फ्राई करके रख